थाईलैंड के स्टनिंग बीचेस, रिच कल्चर और अफोर्डेबल हाई क्वालिटी अकोमोडेशंस ने इसे इंडियन टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन बना दिया है। 2000 के पहले क्वार्टर में थाईलैंड ने 9.4 मिलियन फॉरेन विजिटर्स को वेलकम किया, जो 454.6 बिलियन बाट का इकोनॉमिक बूस्ट लाया। इस साल थाईलैंड का टारगेट है 40 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, बिल्कुल 2019 के प्री पैंडेमिक नंबर्स के करीब। अक्टूबर तक 1.64 मिलियन इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड आ चुके हैं, जो इंडिया को चाइना और मलेशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा विजिटर सोर्स बनाता है। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के मुताबिक ईयर एंड तक ये नंबर 2 मिलियन तक पहुंच सकता है, जो 90 बिलियन बाट का रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब इंडियन टूरिस्ट के लिए और भी अच्छी खबर है। थाईलैंड ने अपनी वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी इंडियन नेशनल के लिए इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दी है। ये पॉलिसी पहले 11 नवंबर 2024 को एंड होने वाली थी, पर अब इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड में बिना वीजा के 60 दिन तक रुक सकते हैं। अगर आप 60 दिन से ज्यादा रहना चाहते हैं तो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस से 30 डेज की एक्सटेंशन और ले सकते हैं। अब जानते हैं वीजा फ्री ट्रैवल एग्जैक्टली होता क्या है। वीजा फ्री ट्रैवल का मतलब टूरिस्ट बिना वीजा के कंट्री में एंट्री ले सकते हैं, बस एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो इमिग्रेशन पर स्टैंप हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, नेक्स्ट अपडेट तक ये फैसिलिटी इंडियन सिटीजन के लिए कंटिन्यू रहेगी। ट्रैवलर्स को हमेशा ऐसे डेस्टिनेशंस की तलाश होती है जहां बिना वीजा के झंझट के आसानी से एडवेंचर्स और यूनिक एक्सपीरियंसेस मिल सके। इस पॉलिसी के बाद थाईलैंड इंडियन टूरिस्ट के लिए टॉप वीजा फ्री डेस्टिनेशन बन चुका है।